स्टूडेंट्स एमएससी फाइनल ईयर इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रिक पेपर फोटो इनऑर्गेनिक की जो पहली यूनिट है उसकी कंटिन्यूअस क्लासेस चल रही हैं। आज की क्लास में हम फोटोकेमिकल स्टेज या ये कह सकते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे। फोटोकेमिकल प्रोसेस के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। फोटोकेमिकल प्रोसेस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी प्रोसेस सेकेंडरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस इज प्योरली 100% फोटोकेमिकल प्रोसेस विच फॉलो बोथ गॉर्थस, ड्रेपर एंड स्टार्क आइंस्टीन फोटोकेमिकल प्रिंसिपल, बिकॉज प्राइमरी प्रोसेस इन्वॉल्व अब्जॉर्प्शन ऑफ सिंगल फोटोन बाय सिंगल मॉलिक्यूल, इज दैट प्राइमरी प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच लाइट क्वांटम quanta of photon is absorbed by molecule and from activated or excited molecule which can lead to secondary process. It may be noted that in primary process molecule does not enter in chemical reaction and here 1:1 ratio relationship between photon and molecule should be maintained। समझते हैं बच्चों, प्राइमरी प्रोसेस में किसी मॉलिक्यूल के द्वारा वन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब वन फोटोन। एक फोटोन को इस मॉलिक्यूल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है या एक्टिव स्पीशीज को हम स्टार लगाकर अथवा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों इस तरीके से एक्टिव स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं एक्साइटेड मॉलिक्यूल और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। ये सारा प्रोसीजर हमारे प्राइमरी प्रोसेस में होता है, यानी प्राइमरी प्रोसेस में फोटोन का अब्जॉर्प्शन करके एक्साइटेड मॉलिक्यूल और एक्साइटेड स्पीशीज का फॉर्मेशन किया जाता है। प्राइमरी प्रोसेस में आल्सो इन्वॉल्व इन लेस ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी बाय कॉलिजन एंड लॉस ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी बाय कॉलिजन एंड बाय फ्लोरिसेंस एंड फास्फोरिसेंस। Then a molecule get quanta or photon
इज बिकम एक्टिवेट और एक्साइटेड देयर आर मैनी इफेक्ट आर एब्जॉर्ब एब्जॉर्बिंग फोटोन लाइट डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चार्ज चेंज इन रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी स्कैटरिंग मॉलिक्यूल कॉलिजन एंड मैनी फोटोकेमिकल रिएक्शन स्कैटरिंग मॉलिक्यूल कॉलिजन एंड मैनी फोटोकेमिकल रिएक्शंस फोटो एडिशन फोटो सब्स्टिट्यूशन फोटो आइसोमराइजेशन फोटो डाइमराइजेशन फोटो एलिमिनेशन फोटो डिसोसिएशन फोटो ऑक्सीडेशन फोटो रिडक्शन एंड फोटो रीअरेंजमेंट इन सेंस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन एक्साइटेड मॉलिक्यूल मस्ट बी इन सिंगल एक्साइटेड स्टेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट विच पार्ट ऑफ सेकेंडरी प्रोसेस यानी इसके बाद में सेकेंडरी प्रोसेस स्टार्ट हुआ सेकेंडरी प्रोसेस में जो ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल है ग्राउंड स्टेट में जो मॉलिक्यूल है वो फोटोन का एब्जॉर्प्शन करके सिंगलेट स्टेट और उसके बाद में ट्रिपलेट स्टेट में स्थानांतरित हो जाता है S1, S2, S3 ये सिंगलेट स्टेट है सिंगलेट स्टेट ट्रिपलेट स्टेट का एनर्जी लेवल कम होता है और इसको हमने इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये T1, T2, T3 ये हमारे पास में अब्जॉर्प्शन है बच्चों अब्जॉर्प्शन यानी यहां पर ग्राउंड स्टेट में जो मॉलिक्यूल है फोटोन का एब्जॉर्प्शन करके एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में ट्रांसफर हो जाता है और ये वापस से ग्राउंड स्टेट में आता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं H-new फ्लोरेसेंस यानी ग्राउंड स्टेट से सॉरी सिंगलेट स्टेट से वापस से ग्राउंड स्टेट में आना फ्लोरेसेंस अगर एक ही प्रकार के हमारे पास में स्टेट है सिंगलेट से ट्रिपलेट में ये कहलाता है आईसी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग अगर सिंगलेट से ट्रिपलेट में स्थानांतरित होता है इसको बोलते हैं आईएससी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग आईएससी और जब मॉलिक्यूल ट्रिपलेट फर्स्ट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी का इमिशन करता है और ये कहलाता है प्रोसेस फास्फोरेसेंस बच्चों इसमें दो प्रकार की आपको लाइन दिखनी है एक तो कंटिन्यूस लाइन है और एक लहरदार लाइन है जिगजैग लाइन है कंटिन्यूस जो लाइन है इसमें एनर्जी का या फोटोन का एब्जॉर्प्शन रेडिएशन के रूप में होता है जबकि जिगजैग लाइन में रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन या इमिशन हीट के रूप में होता है इस डायग्राम को हम एक सिंपल लैंग्वेज में जेवलांच की डायग्राम भी कहते हैं इसमें
ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ये फास्फोरेसेंस, ये फ्लोरेसेंस, ये एब्जॉर्प्शन, ये ग्राउंड स्टेट। The term singlet and triplet arise from the fact that a singlet state does not split in under magnetic field, while a triplet state is split up into three possible states on applying magnetic field. Here, singlet and triplet term can be understood much better by concept of multiplicity. एक नया फैक्टर आता है जो मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्या है? हम सिर्फ सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट को समझते हैं बच्चों। मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी ये होती है बच्चों, बहुकता बोलते हैं इसको हिंदी में, 2s+1। एस है स्पिन क्वांटम नंबर। सपोज 2 इलेक्ट्रॉन आर अरेंज इन फॉलोइंग मेथड 1H, 1 इलेक्ट्रॉन आर सिचुएटेड इन 1 ऑर्बिटर विद अपोजिट डायरेक्शन, S इज इक्वल टू प्लस एक बटा दो माइनस एक बटा दो बराबर। मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी 2s+1, 2 0+1=1। ये स्टेट, दिस स्टेट कॉल्ड सिंगलेट स्टेट, दिस स्टेट कॉल्ड सिंगलेट स्टेट। और यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग ऑर्बिटल में इस तरीके से व्यवस्थित हैं, एस बराबर +1/2, +1/2, 1। मल्टीप्लिसिटी 2s+1=2, 1+1=3। दिस स्टेट कॉल्ड इज ट्रिपलेट स्टेट, दिस स्टेट कॉल्ड इज ट्रिपलेट स्टेट। जो डायग्राम देखा है उसका जो कॉमन रूप से उसको जानते हैं जेवलांस के डायग्राम के रूप में जानते हैं। इस जेवलांस के डायग्राम में दो प्रकार के प्रोसेस हैं, रेडिएटिव प्रोसेस, दो प्रकार के प्रोसेस हैं, रेडिएटिव रेडिएटिव प्रोसेस और दूसरा बच्चों नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। इन जेवलांस की डायग्राम मैनी प्रोसेस विल बी टेक प्लेस विच आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, क्वांटाइज प्रोसेस और नॉन क्वांटाइज प्रोसेस। क्वांटाइज प्रोसेस और रेडिएटिव प्रोसेस विदाउट हीट लॉस, द प्रोसेस इन विच हिट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिटेड इक्विवेलेंट टू क्वांटा कॉल्ड क्वांटाइज प्रोसेस इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस सो कॉल्ड रेडिएटिव प्रोसेस। There are only
थ्री रेडिएटिव प्रोसेस विच आर कैटेगराइज इन टू कैटेगरी स्पिन अलाउड एंड स्पिन फॉरवर्डन. स्पिन अलाउड एंड स्पिन फॉरवर्डन जो एब्जॉर्शन है और फ्लोरिसेंस, ये प्रोसेस स्पिन अलाउड होंगे और फास्ट फ्लोरिसेंस स्पिन फॉरवर्डन में काउंट किए जाते हैं. स्पिन अलाउ में हमारे पास में सबसे पहला प्रोसेस है. स्पिन अलाउ में सबसे पहला प्रोसेस है बच्चों स्पिन अलाउ में पहला प्रोसेस है एच न्यू ए एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स. एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स इसमें ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल फोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन करके सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनाता है. यहीं से S0 से फोटोन का एब्जॉर्प्शन करके सिंगलेट सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसी तरीके से सिंगलेट थर्ड एक्साइटेड स्टेट बनती है. इसमें रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन किया जाता है. स्पिन अलाउ में दूसरा जो प्रोसेस है एच न्यू फ्लोरिसेंस. फ्लोरेसेंस इज ल्यूमिनियस प्रोसेस. ल्यूमिनियस इज द प्रोसेस इन विच इमिशन ऑफ रेडिएशंस अकर ड्यू टू सम कोर्स अदर देन टेम्परेचर. ए मॉलिक्यूल इन हायर सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट कैन जंप टू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट विद इमिशन ऑफ क्वांटा फोटोन और रेडिएशंस अकर विद एन 10^-9 सेकेंड टू 10^-7 सेकेंड टाइम. फ्लोरिसेंस जो प्रोसेस है उसमें 10^-9 सेकेंड का समय लगता है. फ्लोरिसेंस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस विच इज within 10^-9 seconds. यानी S1 ground state से reverse process S0 और जो heat produce होती है उसको हम बोलते हैं जो fluorescence. fluorescence fluorescence